ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ऑर्गेनाइजर बॉक्सेस, स्टोरेज बॉक्सेस, जो कि मैंने सभी चीज़ें ली हैं मीशो से। सभी के कोड मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, साथ ही बेल पर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। एंड लाइक एंड कॉमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल संजम फैशन पर चेक कर सकते हैं। मैं सभी के लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले अपना जो प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ वो है ये रैक। मुझे इस रैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे अपने किचन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस रैक को लेना पड़ा। बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ है। इसका जो मटेरियल है वो आयरन मटेरियल में है, तो कुछ इस तरह से ये मुझे रिसीव हुई थी। बबल रैपिंग में आया था, बहुत इजी इसे इंस्टॉल करना और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो इस तरह की रैक का आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में भी, बेडरूम बालकनी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ डेकोर। में हैंग करने का काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया जाता है, तो आप इसे हैंग भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इस रैक के साथ जा सकते हैं जो प्राइस में बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप अपने किचन के लिए या फिर डेकोर पर्पज़ से ऐसी कोई रैक सर्च कर रहे हैं तो आप इस रैक के साथ ज़रूर जाएं। इसका प्राइस जो है वो 248 है, बट दिस टाइम ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गई है, 261 रुपीज़ हो गई है। मैंने इसे रखा है किचन में क्योंकि मुझे किचन के लिए इसकी नीड थी और बहुत अच्छी सी चीज़ इसमें एडजस्ट हो जाती हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका कोड प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से बाय करिएगा, आपको डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मेरा सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो है 3-पीस प्लास्टिक स्टोरेज बास्केट, जो कि मल्टीपर्पज़ यूज़ में आते हैं एंड मल्टी कलर में मुझे मिले हैं। बहुत ही अच्छी मटेरियल मुझे रिसीव हुआ है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड यू कैंट बिलीव कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा लो है। 242 रुपीज़ में आपको ये मिल जाते हैं। मैंने इसे मंगाया अपने मेकअप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बहुत अच्छे से सारे मेरे मेकअप इसमें ऑर्गेनाइज हो गए। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रूट्स भी रख सकते हैं, वेजिटेबल, स्टेशनरी या फिर बच्चों के टॉयज भी डाल सकते हैं, और इसमें आप चाहें तो अपने कुछ कपड़े भी हल्के वार्डरोब में डाल सकते हैं। तो मतलब मल्टीपर्पज़ है, आप किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कॉशो पे ऐसी चीज़ें आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती हैं, मेरे लिए बहुत ज़रा हेल्पफुल रहा है और मैं इसमें के बहुत सारे बास्केट बाय करने वाली हूँ और आप लोगों से शेयर भी करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अगर आप स्टोरेज बास्केट सर्च कर रहे हैं तो आप मीशो से जाके बाय कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका कोड मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से ईजिली बाय कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट है वो है कॉस्मेटिक स्टोरेज बॉक्स ऑर्गेनाइजर विद ड्रॉअर, और ये बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था। काफ़ी ज़रा बबल रैपिंग थी तो मुझे बहुत सेफ़ तरीके से ये रिसीव हो गया है, और इसकी प्लास्टिक और इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा स्टडी क्वालिटी का है। एंड इसका जो प्राइस है वो है 380 रुपीज़, बट नाउ दिस टाइम ये थोड़ा सा इसका जो रेंज है वो हाई हो गया है, 416 हो गया है, बट डिफरेंट डिफरेंट सेलर हैं तो आप इसे सर्च करके भी ले सकती हैं, मे बी आपको अफोर्डेबल रेंज में मिल जाए। इसे मैंने बाय किया है, उनका कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस तरह के जो स्टोरेज बॉक्स होते हैं ना, आप उसे अपने ड्रेसर पे रख के डेली जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं अपने लाइफ में उसको ऊपर ही डाल सकते हैं। वाइट ड्रेसर पर मेरा ये वाइट कलर का जो ऑर्गेनाइजर बॉक्स ना बहुत ज़्यादा मैचिंग कर रहा था एंड बहुत अच्छे से इसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो मैंने जो फर्स्ट ड्रॉअर था उसमें रखे थे आई ग्लिटर एंड जो सेकेंड ड्रॉअर था उसमें भी मैंने आई से रिलेटेड चीज़ें रखी थी। तो इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं अपने लिए जो कि बहुत ज़रा काम आती हैं। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें रख सकते हैं, लाइक लिपस्टिक, आई शेडो, नेल पॉलिश, लोशन, लिप लाइनर एंड बाम वगैरह भी डाल सकते हैं। जो डेली एसेंशियल चीज़ें होती हैं उसको भी इसमें डाल सकते हैं।
जो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था। मैं इसके फ़ैन हो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। ये भी ऑर्गेनाइज़र है, आप इसे ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं। ये डियर ट्री ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बुक स्टैंड कहा जाता है इसे। जब मैंने इसे बाय किया था ना, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि इसका मटेरियल इतना ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मटेरियल की बात करें तो मैं पहले बता दूँ आपको, इसका प्लास्टिक मटेरियल है एंड ये क्वालिटी वाइज माइंड ब्लोइंग है। इसका जो प्राइस है, यू कैन बिलीव कि 167 रुपीज़ का ये मुझे रिसीव हुआ है। एंड ये दो कलर में आपको मिल जाते हैं, ब्राउन एंड ब्लैक कलर। इसमें जो डेली यूज़ चीज़ें रखते हैं ना, लाइक वॉच एंड ईयर रिंग एंड चेन वगैरह आप लगा सकते हैं। जब आप कॉलेज गर्ल होते हैं या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल होती हैं, तो आपको जो डेली चीज़ें पहननी होती है ना, उनको आपको रोज़ डेली उनको बॉक्स में रखना निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप लें, अपने लाइफ में यूज़ करें, जो बहुत ही आसानी से आप लगा सकती हैं, निकाल सकती हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखने में भी बहुत क्यूट है एंड इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने अपने इसे ड्रेसर पर रखा था, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि ऑर्गेनाइज़र जो स्टैंड होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, आप उसको ले अपने लाइफ में शामिल करें। और प्राइस वाइज काफ़ी अच्छा है, मीशो पे यू नो बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। कभी कोड में प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप बाय करना चाहते हैं मीशो से तो यू कैन बाय। इसका जो मटेरियल है, क्वालिटी है, बहुत अच्छी है। ऑर्गेनाइजर बॉक्स की बातें हो रही हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से किचन के ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ें मैंने मंगाई हैं, मैं उसे भी आप लोगों से शेयर करूं। ये एक स्टोरेज बॉक्स और 24 ग्रिड एक का ऑप्शन मिलता है, यानी 24 एग आप इसमें रख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनफ है आई थिंक। एंड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मटेरियल इसका प्लास्टिक है, बट मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा दिया गया है। एंड प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा है, 196 का प्राइस है और काफ़ी अच्छा है इसे यूज़ करना। एंड आई थिंक बेस्ट मटेरियल मिला है मुझे। डबल लेयर ऑप्शन मिलता है इसमें, तो जिसमें रखना उठाना बहुत ज़रा आसान हो जाएगा। तो इस तरह स्टोरेज बॉक्स को आप लें, अपने किचन में कहीं भी ऑर्गेनाइज करें, एक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। एंड इसका कोड मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। हैंडल की क्वालिटी एंड ओवरऑल जो भी ये बॉक्स, इसकी क्वालिटी बहुत ज़रा अच्छी है। किचन के लिए मैंने काफ़ी सारे स्टोरेज बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं, काफ़ी ज़्यादा जार ऑर्डर किए हैं। जैसे मुझे रिसीव हो गए मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी मैंने रिसेंटली ये सारी चीज़ें बाय की हैं। ये है चाय का स्टोरेज बॉक्स, जो बहुत क्यूट तरीके से बना हुआ है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आई थिंक एक जो पीस का वो प्राइस है वो 349 है एंड इसका जो ओरिजिनल प्राइस है आई थिंक 899 है, बट ये ऑफ़र में डिस्काउंट में मुझे मिल गया है। इसे आप मीशो से बाय कर सकते हैं, मैं इसका कोड प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप 99 मार्केट से भी जाके ले सकते हैं। तो क्वालिटी एंड मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है इसमें आपको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, चीज़ों को रखने के लिए। और इसमें जो इसका मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्टील का मटेरियल है एंड इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इसमें पेंट हुआ है, आई डोंट नो ये आने वाले टाइम में कैसा रहेगा इसका मटेरियल एंड क्वालिटी। इसे मैं यूज़ करने के बाद ही इसका पूरा रिव्यू दे पाऊँगी। तो अभी ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें चाय लिखा हुआ जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। सेकेंड बॉक्स जो है उसमें चीनी लिखा हुआ और अगेन इसका जो प्राइस है वो है 899 और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी आ जाएगी, आई थिंक 1 kg के अराउंड। एंड इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इसका भी प्राइस है 349 एंड ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने लिए इसे ब्लैक कलर में क्योंकि मुझे ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन रेड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने चीनी को ब्लैक रखा है एंड चाय को रेड रखा है। इसका जो लिड है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल ये जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसकी स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसमें चारों तरफ जो रबड़ लगे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तीसरा स्टोरेज बॉक्स जो है वो है नमकीन का, जो कि बहुत ज़्यादा
अच्छा लग रहा है, नमकीन लिखा हुआ है एंड ब्लैक कलर में है एंड इसका प्राइस आई थिंक 1099 है, बट आई थिंक ये मैंने 400 में बाय किया है। जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सभी स्टील के बने हुए हैं, प्राइस में भी काफ़ी अच्छे हैं एंड इसका आफ्टर यूज़ मैं आप लोगों को रिव्यू ज़रूर दूँगी। यह है बटर डिश, बटर ट्रे आप इसे कह सकते हैं, इसकी नीड मुझे बहुत ज़रूरत थी तो मैंने लिया है बिग साइज़ में। आई थिंक इसका प्राइस भी है 349 एंड वाइट कलर में है, तो ब्लैक, रेड एंड वाइट तीनों चीज़ें मैंने कलर का ध्यान में रखते हुए चीज़ें बाय कर ली हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, वाइट कलर में ही बटर मुझे मिला जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड बहुत ईजी है इसे यूज़ करना। तो सारी चीज़ें मैंने जो बाय की हैं मीशो से और सभी के कोड मैं प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप गाइस जो भी वीडियो मैंने शेयर की आपको अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल जमजम फैशन पर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।